और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ के मौसम की करते हैं। तो प्रदेश में तापमान में गिरावट का दौर अब शुरू हो चुका है। सबसे कम तापमान जशपुर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में 14 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कोरिया और सरगुजा की बात करें तो 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर बना हुआ है। कोरबा में 11 डिग्री सेल्सियस, रायगढ़ में 12.4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस और मुंगेली में 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ का तापमान आपको अलग अलग जिलों का बता रहे हैं। तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया है। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में कोहरे के साथ 2022 की विदाई हो रही है। साल के अंतिम दिन चंबल अंचल कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। ग्वालियर चंबल में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर भी 50 मीटर से कम विजिबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। दिन में भी वाहन की लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेट चल रही है। कड़ाके की सर्दी के साथ नए साल का स्वागत किया जाएगा और खास तौर पर ग्वालियर अंचल की अगर बात करें तो यहां पर कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज होने जा रहा है। तो बता दें आपको, कोहरे के साथ 2022 की विदाई ग्वालियर चंबल अंचल कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिन में भी लाइट का सहारा वाहन चालकों को लेना पड़ रहा है क्योंकि खासी परेशानी उन्हें हो रही है। गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल का आज आखिरी दिन है और ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे के आगोश में इस वक्त लिपटा हुआ है। सड़कों पर यह बताया जा रहा है कि 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं हमारे साथ रायपुर से गौरव शुक्ला और इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश पाराशर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देख पा रहे हैं तस्वीरों में पीछे दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार इस वक्त मौसम जो है बदला हुआ नजर आ रहा है और कोहरे के आगोश में पूरा ग्वालियर चंबल अंचल। बिल्कुल, देखिए जय, आपने सही कहा कि जिस तरह से जो साल का अंत 2022 का जो अंतिम दिन है आज, और वो पूरे चंबल अंचल है वो कोहरे की चपेट में है, घना कोहरा। मैं आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। इस समय हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं जहाँ आप देख सकते हो 40 जो मीटर है उससे भी कम जो विजिबिलिटी है। लगातार जो लोग हैं और जो यातायात है, सड़क की बात की जाए, यातायात की या रेल मार्ग की बात की जाए, सभी प्रभावित है। 4 से 6 घंटे तक लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हैं और यात्रियों को काफी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लग रहा था कि ठंड, कड़ाके की ठंड इस बार जो सर्दी, जो नए साल का जो पहला दिन है उसको देखने को मिलेगी, और ऐसा ही जो मौसम वैज्ञानिकों को जो पूर्वानुमान वो जो सही साबित हो रहा है, और लगातार जो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी चंबल अंचल में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अब कोहरे की चादर भी पूरे चंबल अंचल में छाई हुई है। सफेद जो कोहरा है, पूरा जो शहर है वो जल पूरे कोहरे की चपेट में आ गया है इस समय, और जो कड़ाके की ठंड है वो लोगों को देखने को मिल रही है। और लगभग 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक इसी तरह से कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में चंबल अंचल रहेगा। जी उमेश, लेकिन आम लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल तो पहचाना इसलिए ज्यादा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। प्रशासन की ओर से जो बेसहारा है, जो गरीब है, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम इस ठंड से बचने के लिए किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए या बस स्टैंड की बात की जाए, वहां पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। और वहीं जो छोटे बच्चे हैं, स्कूलों की छुट्टियां अभी हो गई हैं और इसके बाद जो टाइम है वो सुबह का टाइम बढ़ाया गया है और 9:30 से स्कूलों का टाइम या कोचिंग का टाइम कर दिया गया है। और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है क्योंकि लगातार जो सर्दी में, सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसको, इसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अलाव की व्यवस्था शहर में जगह जगह कराई गई है जिससे लोगों को रात में जो बेसहारा लोग हैं उनको सर्दी से राहत मिल सके। जी बिल्कुल, बने रहिएगा उमेश। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल मध्य प्रदेश के मौसम का हाल तो जान लिया, जहां इस वक्त कोहरे की चादर में है आधा मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हाल है? गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कुछ कह रहा है? नए साल के स्वागत के लिए निश्चित ही छत्तीसगढ़वासी तैयार हैं, लेकिन मौसम का प्रभाव कितना इस पर पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी छत्तीसगढ़ के लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। लगातार जो उत्तर से शुष्क हवाएं आ रही है उसके चलते न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है और आने वाले समय में भी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम में जो है ठंड में जो है वो उतार चढ़ाव का दौर जो है वो जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो सरगुजा संभाग के छोड़ प्रदेश के सभी जिलों में ठंड का ज्यादा नहीं है, न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही। रात के समय में 2 से 3 डिग्री की गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन सुबह यदि हम बात करें तो जो गुलाबी ठंड शुरुआत में पड़ती है, ठंड के मौसम में जो गुलाबी ठंड पड़ती है वो उसका एहसास अभी लोग कर रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा नहीं है। धूप भी जब निकलती है तो काफी तेज धूप होती है। सरगुजा संभाग की बात करें तो जसपुर सबसे ज्यादा ठंडा 7 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान जसपुर का दर्ज किया गया। वहीं कबीरधाम यानी कवर्धा जिला जो है वहां पर 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रदेश के लोगों को ठंड का इंतजार है। मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी ठीक इसी तरीके का जो उतार चढ़ाव है तापमान में वो देखने को मिलेगा और कड़ाके की ठंड के लिए अभी भी लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जी शुक्रिया आपका गौरव फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। और देखिए छत्तीसगढ़ की भी खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक जगह जहां बर्फ की चादर जमी हुई नजर आ रही है उसकी बूंदे जमने लगी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्से ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के भी जहां अब भी ठंड का इंतजार किया जा रहा है। गौरव और उमेश हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साथ।